नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। डेरा कार सेवा प्रमुख का कातिल आखिरकार कौन है? जी हां, डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई है। तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में हत्या हुई है। नानक मत्ता सिंह गुरुद्वारे में गोली मारी गई तरसेम सिंह को। हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर बाइक सवार अपराधियों को देखा जा सकता है, जो आए और फिर तरसेम सिंह पर गोलियां उन्होंने चलाई जिसमें उनकी हत्या हो गई है। डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या का ये सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है। इनको गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन बताया जा रहा है रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तरसेम सिंह को दो गोलियां लगी हैं। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें, पहले ही उनकी तरफ से हत्या की आशंका जताई गई थी। तरसेम सिंह की हत्या किस तरीके से हुई है, साफ तौर पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, दो गोलियां उन्हें मारी गई है। बाइक से आए हत्यारों को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो उत्तराखंड पुलिस ने तरसेम सिंह की हत्या के लिए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि हत्या की जांच की जा रही है। हत्या के पीछे कौन है, जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। नानक मत्ता गुरुद्वारे में दो नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे, बाबा तरसेम सिंह जी, उन पर गोलियाँ चलाईं। उनकी मृत्यु हो चुकी है। निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर घटना है। इस घटना की जांच पड़ताल के लिए एक एसआईटी का पुलिस मुख्यालय द्वारा गठन किया गया है, जिसमें एसटीएफ के लोग रहेंगे और स्थानीय पुलिस के भी अधिकारी उसमें रहेंगे। और इस एसटीएफ को कहा गया है कि इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे लेके इसके सभी पहलुओं की गहनता से जाँच करें। और हमें ना सिर्फ उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करना है, पर अगर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा षड्यंत्र या साजिश है उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, ये हमने आपको बताया। आप ये भी समझ लीजिए कौन है बाबा तरसेम सिंह, जिन पर गोलियां दागी गई और उनकी हत्या कर दी गई। जानकारी आपके सामने, नानक मत्ता गुरुद्वारे के प्रमुख हैं, लंबे समय से कार सेवा प्रमुख रहे। गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण का उन्होंने काम कराया और इसके अलावा जीवन को गुरुद्वारे को उन्होंने समर्पित किया। इसके अलावा बता दें, पंजाब तराई में सिखों के सिरमौर माने जाते हैं। सत्ता और विपक्ष में उनकी खासी पैठ भी रही है। तो कुल मिलाकर तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई है और अब इसको लेकर पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस पूरे मामले पर अपडेट्स के लिए उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता राजीव चावला हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राजीव, ये बताइए, इस पूरे मामले में पुलिस को क्या किसी तरीके की साजिश का शक है और किस तरीके से इस पूरे मामले की जाँच आगे बढ़ रही है? हत्यारों तक पुलिस पहुंच चुकी है या नहीं? देखिए, अभी तक फिलहाल जो है पुलिस की लगभग 15 टीमें गठित कर दी गई हैं। आईजी खुद इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस जगह पर ये हमलावर रुके थे, यानी कि गुरुद्वारे का जो सराय होता है, सराय में कमरा लेकर के ये हमलावर वहां पर रुके हुए थे और इन्हें हत्या करने की, यानी कि जो पूरी प्री प्लान ये लोग इस साजिश को रचने के लिए पहुंचे थे और हत्या करने की इन्हें इतनी जल्दी थी कि जब इनको इनपुट मिला के बाबा तरसेम सिंह अपने कमरे से बाहर आकर के कुर्सी पर बैठ गए हैं। इनपुट मिलते ही इन्होंने आनन फानन में बिना जूते पहने, यानी चप्पल में ही ये जो है गन लेकर के स्पॉट पर पहुंचे, जहां इन्होंने दो गोलियां चलाई। दोनों गोली लगने से बाबा तरसेम सिंह की मौत हो गई और उसके बाद से तमाम जो उस कमरे की भी जो है तलाशी ली जा रही है, किन आईडियो पर ये हमलावर आकर के रुके थे, उन आईडियो की जांच की जा रही है। यूपी उत्तराखंड की जितनी सीमाएं हैं सभी को फिलहाल सीज कर दिया गया और एक एक गाड़ी की फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर तलाशी ले रही है। इसके साथ ही बाबा तरसेम सिंह की मौत के विरोध में, यानी कि हत्या के विरोध में, जो है नानक मत्ता का पूरा बाजार जो है व्यापारियों ने बंद कर दिया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव बता रहे हैं कि इस हत्या के बाद सिख कम्युनिटी में खासा रोष नजर आ रहा है और ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। भोपाल में दादी को पीटने वाला पोता गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल बस स्टैंड से पुलिस ने पोते को गिरफ्तार किया है। भोपाल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। भोपाल पुलिस ने पोते की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दादी को पीटता हुआ पोता नजर आया था। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। भोपाल से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां दादी को पोता और उसकी पत्नी मिलकर पीट रहे थे। अब दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी के साथ मिलकर बूढ़ी दादी को प्रताड़ित करता था ये शख्स, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। दादी का खाना पसंद नहीं तो जमकर पीटा। ये
इस पूरे मामले को लेकर अब डिटेल्स सामने आ रहे हैं कि दादी की डंडे से किस तरीके से ये पोता और उसकी पत्नी मिलकर पिटाई कर रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, विदेश भेजने के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद साइबर टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से फर्जी वीजा और फर्जी आधार कार्ड भी मिले। सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाते थे और उन्हें झांसा दिया जाता था विदेश भेजने के नाम पर, पैसे लेने के बाद फरार हो जाते थे ये वो लोग। पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। आरोपी मजदूर वर्ग को निशाना बनाते थे खासतौर पर। इनका काम करने का तरीका ये था, ये सबसे पहले एक फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे, एक फर्जी ऑफिस खोलते थे और फिर एडवर्टाइजिंग करते थे सोशल मीडिया की आधार पे और विदेश में भेजने का प्रॉमिस करते थे, और लोगों से पैसा लेने के बाद फर्जी वीज़ा बनवा के उनके पासपोर्ट लेके ये फर्जी वीज़ा उनको भेज देते थे। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उनके तरफ से 7 पासपोर्ट्स, फर्जी वीज़ा और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं और इसी दिशा में आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोटशाला में 7वें दिन भी सर्वे जारी है। एएसआई का एएसआई की टीम भोटशाला की खुदाई कर रही है। नींव की खुदाई करीब 12 फीट तक हुई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एएसआई की टीम ने 6ठे दिन 9 घंटे तक सर्वे किया। भोटशाला के अंदर बाहर से मिट्टी का सैंपल लिया गया है। तो धार भोटशाला को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर एएसआई की टीम की तरफ से सर्वे का काम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और यहां पर भोटशाला की खुदाई एएसआई की टीम की तरफ से की जा रही है, जहां नींव की खुदाई करीब 12 फीट तक हुई है। अब इस बीच आप समझ लीजिए भोटशाला एएसआई सर्वे में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो जानकारी आपके सामने, भोटशाला का बाहर और अंदर का मेजरमेंट लिया गया है। इसके अलावा भोटशाला के अंदर बाहर से मिट्टी के सैंपल भी इकट्ठे किए गए। एएसआई की टीम द्वारा खुदाई करके निकाले गए पत्थरों के सैंपल भी लिए गए हैं। इसके अलावा भोटशाला से मिले पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई है। इसके अलावा कलाकृतियों को रिकॉर्ड किया गया, उनके सबूत जुटाए गए हैं। नींव की खुदाई करीब 12 फीट तक हुई है। कमाल मौला मस्जिद तक मार्किंग की गई है। तो कुल मिलाकर धार भोटशाला को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें खुदाई कहां तक पहुंची ये जानकारी आपके सामने। एक और बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है, अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर ली गई है। जेल में बंद अली अहमद पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। बालू कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में ये केस दर्ज किया गया। 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में अली समेत 7 पर केस। अतीक अहमद के बेटे के खिलाफ एक और FIR हो गई है। डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अतीक के बेटे ने जेल से रंगदारी मांगी थी, ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं। बालू कारोबारी अबू सईद से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। अली अहमद समेत 7 लोगों के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज हुई है। रंगदारी नहीं देने पर रास्ते में रोककर पिटाई की गई। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रयागराज पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अली अहमद अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। ITO पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया उनकी गिरफ्तारी का। पैम्फलेट पाठ कर 31 मार्च की रैली के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है। तो 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पैम्फलेट्स भी बांट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पंपलेट बांट रहे हैं लोगों में। ये देखिए पंपलेट में क्या लिखा हुआ है, मैं भी केजरीवाल महारैली निमंत्रण पत्र। ये दरअसल 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली है, वो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर ITO के गेट नंबर 2 पर मेट्रो स्टेशन जो है इसके बाहर ये पंपलेट बांट रहे हैं लोगों में। और देखिए मैं भी केजरीवाल इस तरह का इन्होंने पूरा जो बैनर है उसको पहन रखा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं शालीमार बाग से प्रभा सिंह। अच्छा,
अच्छा, तो ये पंपलेट क्या आप लोग यहाँ पर बांट रहे थे लोगों के बीच में? जी, हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, और उनके पास पावर भी है, तो वो अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रही है। पावर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसका प्रॉपर यूज़ हो सके, बट वो मिसयूज़ कर रही है। वो मुद्दे से लोगों को भटकाना चाह रही है, जो भाजपा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू रिश्वत लिया है, उस मुद्दे से भटकाना चाह रही है, इसलिए हमारे केजरीवाल जी को अरेस्ट और रिमांड पे हैं। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को कंप्लेंट्स दे रहे हैं। ये 31 मार्च को केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है, वहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को ये कंप्लेंट देने के बाद हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 31 तारीख को जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है उसके विरोध में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। दिल्ली पुलिस हमें ले जाएगी, कोई बात नहीं, ले जाए। मोदी जी की तानाशाही चल रही है, कितनों को बंद करेंगे? आज दिल्ली का हर आदमी केजरीवाल है, कितने केजरीवालों को अंदर डालेंगे?